हेलो फ्रेंड्स, पल्लवीज किचन में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि नवरात्रि का पावन पर्व आज से शुरू हो रहा है, तो क्यों ना इसकी शुरुआत कुछ मीठा बनाकर की जाए। तो चलिए आज की रेसिपी की शुरुआत करते हैं। आज की हमारी रेसिपी है मलाई केसर लड्डू, और इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 1 लीटर दूध। यहाँ हमने फुल क्रीम मिल्क यूज़ किया है। इसके बाद 2 बड़े चम्मच नींबू का रस, 2 छोटे चम्मच घी, 1/4 कप दूध जिसमें हमने 10 से 12 केसर के पत्ते डाले हैं। इसके बाद 1/4 कप मलाई यानी कि फ्रेश क्रीम, यहाँ लिया है 3/4 कप मिल्क पाउडर, 3/4 कप कंडेंस्ड मिल्क, 1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर, और गार्निशिंग के लिए थोड़े से कटे हुए ड्राई फ्रूट्स। अब सबसे पहले हमने कढ़ाई में दूध उबलने के लिए रख दिया है। गैस की फ्लेम अभी हम हाई रखेंगे और दूध को इस तरीके से चलाते रहेंगे। दूध को पूरा टाइम हमें चलाते रहना है ताकि दूध नीचे से कढ़ाई को चिपके नहीं। दूध हमारा बॉयल होने लगा है और अब हम इसमें नींबू का रस डालेंगे। अच्छे से इसे मिलाएंगे। आप देख सकते हैं दूध धीरे धीरे फटने लगा है। ये देखिए दूध से पानी अलग हो गया है। और अब हम गैस को बंद कर देते हैं। इसे अब हम थोड़ा ठंडा होने देते हैं और उसके बाद हम इसे छान लेंगे। छानने के लिए हम इस तरीके से छलनी लेंगे, उस पे ये मसलिन क्लॉथ डालेंगे और फटे हुए दूध को छान लेंगे। इस पर थोड़ा ठंडा पानी डालकर इसे धो लेंगे। सारा पानी इस तरीके से निचोड़ कर इसे 10 मिनट ऐसे ही छोड़ देंगे। दूसरी ओर कढ़ाई में हम घी डालेंगे। अब इसके बाद इसमें डालेंगे केसर वाला दूध, इसके बाद फ्रेश क्रीम, और अब एक बार इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें जाएगा मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर डालने के बाद हमें इसे अच्छी तरीके से मिलाना है ताकि इसमें कोई लम्स ना रह जाए। ये देखिए ये एकदम स्मूथ हो गया है और इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं बचे हैं। अब इस मिश्रण को इसी तरीके से लगातार चलाते रहेंगे ताकि हमारा मिश्रण नीचे से चिपके नहीं। ये देखिए आप देख सकते हैं हमारा मिश्रण धीरे धीरे अब गाढ़ा हो रहा है और अभी भी हम इसे चलाते रहेंगे। मिश्रण को भूनते हुए 10 मिनट हो गए हैं और अब ये मिश्रण कढ़ाई छोड़ने लगा है, तो ये हमारा इंस्टेंट खोया बनकर तैयार है। दूसरी ओर पनीर अब ठंडा हो चुका है, इसे निकाल लेते हैं और अब हम इसके छोटे छोटे टुकड़े करेंगे। हमने कढ़ाई में जो इंस्टेंट खोया बनाया है उसी में ये क्रम्बल किया हुआ पनीर हम डाल देंगे। गैस की फ्लेम हम लो रखेंगे और अच्छे से इन्हें एक बार मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें डालेंगे कंडेंस्ड मिल्क, फिर से सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हमें इसे फिर से चलाते हुए तब तक भूनना है जब तक ये मिश्रण गाढ़ा ना हो जाए और कढ़ाई ना छोड़ने लगे। 10 मिनट भूनने के बाद मिश्रण गाढ़ा हो चुका है और कढ़ाई छोड़ने लगा है। अब गैस की फ्लेम हम लो कर देंगे
और सबसे पहले कंसिस्टेंसी चेक करेंगे। इसके लिए थोड़ा सा मिश्रण निकालेंगे और इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे और ठंडा होने के बाद इसे लड्डू का शेप बनाकर देखेंगे। ये देखिए लड्डू आराम से बन रहा है, यानी हमारी कंसिस्टेंसी परफेक्ट है। तो गैस ऑफ कर देते हैं। अब इसमें डालेंगे इलायची पाउडर और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिश्रण हमारा ठंडा हो चुका है और अब हम इससे लड्डू बना लेते हैं। इसे ड्राई फ्रूट से थोड़ा सा गार्निश करेंगे। आप चाहे तो आपकी पसंद से कोई भी ड्राई फ्रूट्स इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी तरह सारे लड्डू बनाकर हम तैयार कर लेंगे। दोस्तों, ये लड्डू खाने में बहुत ही टेस्टी है। आप भी इन्हें बना के देखिए, माता को भोग लगाइए और उसके बाद खाकर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये लड्डू कैसे लगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आपका सपोर्ट मुझे ज़रूर दे। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।